दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, आपका अध्यांता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाले धोखों से कैसे बचें। तो दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अति उत्तम व्यवसाय है और इसके अंदर हम लोग कम पैसा लगाकर या कम इन्वेस्टमेंट करकर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं एक अच्छा बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद। इसके अंदर किसी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि किसी वस्तु या सेवाओं की बिक्री से जो धन अर्जित होता है उसमें जो लाभ होता है उसको वह कंपनी एक निश्चित प्रणाली या सिस्टम जो उसने बनाया उसके माध्यम से उस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये इतना अच्छा सिस्टम होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ लोगों ने जुगाड़ और तिकड़मबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत तेजी से अमीर बनना चाहते थे, रातों रात बहुत सारा धन अर्जित करना चाहते हैं। हम भारतीय हैं इसलिए हमारा मानना यह है कि ये तिकड़म या जुगाड़ भारत में ज्यादा चलते हैं। नहीं दोस्तों, विदेशों में भी ये तिकड़म या जुगाड़ चलते हैं। इवन अमेरिका जैसे देश के लोग भी तिकड़म या जुगाड़ की कंपनियां बनाते हैं, लेकिन हम भारत के हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी भारतीय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए। उसमें से कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, बता सकता हूं। आपको उन कंपनियों को अपने स्तर पर चेक करना है और जिसकी आपको मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट अच्छे लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें है वेस्टीज, मोदी केयर, HHI, IMC, कीवा, ओके लाइफ केयर, माई लाइफ केयर, इसी तरह की और भी गिनी चुनी कंपनियां हैं जिसमें आप अपने व्यवसाय को फैला सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उन कंपनियों से बचना है जिसमें लोग कहते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी, अभी आपने ज्वाइन करा अभी आपको पैसा कमा देंगे। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, सिर्फ अपनी एंट्री लगानी, यानी कि वो आपका डाटा चुराना चाहती है। तो आपको इस तरह की सभी कंपनियों से बचना है। क्यों बचना है? कई कंपनियां जो नई नई टर्मोलॉजी और लच्छेदार बातों से आपको फंसा सकती हैं। वो कहती हैं, वो एक पोस्टर आपको सेंड करती हैं, एक पोस्टर किसी की आईडी का बना के कि इस आदमी ने आज ही ज्वाइन किया, 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए की इनकम, इस बंदे ने कल तारीख में ज्वाइन किया और आज की डेट में इसका 1,00,000 का अमाउंट का इसका पहला इनकम या पहला चेक या पहला प्रॉफिट। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह की कंपनियों के पास क्या कुबेर का खजाना है? कोई सामान नहीं बिका, कोई सेवा नहीं बिकी, इसके बावजूद भी लाखों रुपए। दोस्तों वो इसके पीछे की सच्चाई नहीं बताते, वो ये नहीं बताते जिस आदमी का ये चेक आया उसने अपने किसी मित्र, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का जब 2.5 लाख रुपए लगवाया तब उसका 1.25 लाख के करीब का चेक आया। क्योंकि इस तरह की कंपनी एनरोलमेंट के बेस पर ही आपको 45-50% धन वापस लौटा देती है। तो ये क्या करनी है, आपको अपने या अपने किसी निजी का पैसा लगवाना है और अपने आप पैसा कमाना है, यानी कि एनरोलमेंट से पैसा देने वाली कंपनियां एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग की कैटेगरी में आती ही नहीं है। और कुछ और शब्द यूज करते हैं, ब्लॉकचेन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका ब्लॉक और चैन, ब्लॉक का मतलब है खाने और उसकी एक चैन है। ये एक्चुअली क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो करेंसी के डाटा रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन
मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये नाम बड़ा प्रचलित हो गया, पता नहीं उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझ नहीं आता। और दूसरा एक शब्द करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि सेंटर में पावर ना रख के अपनी पावर का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि अलग अलग स्तर पर अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज करो कोई कंपनी लोन करती है, उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में और हर शहर में उसके छोटे बड़े ऑफिस है, और वो चाहती है कि 5 लाख के तक के लोन लोकल स्तर पर कर दिए जाए, हेड ऑफिस में ना भेजे जाए। तो ये जो उसने अपनी पावर लोकल ऑफिस को दे दी, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन मल्टी लेवल मार्केट में पता नहीं कैसे काम करता है, क्योंकि वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो सिस्टम जिसने बनाया है, अब वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों जिसने भी जो सिस्टम बनाया है उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन चाहिए। इवन आप यूट्यूब चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, या और भी बहुत सारे ऐप हैं जो आप चलाते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप इसको अपडेट कर लीजिए, इस ऐप को आप अपडेट कर लीजिए, या आप रात का उसमें ऑप्शन देते हैं ऐसे, यानी कि अपडेशन की जरूरत है। आपके मोबाइल में अपडेशन की जरूरत है, आपके कंप्यूटर में अपडेशन की जरूरत है, हर सिस्टम को अपडेशन की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं कि इस सिस्टम को बनाने के बाद बनाने वाले का इसमें से कंट्रोल खत्म है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रलोभन है कि आप काम करें ना करें तो भी आपको इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए आएंगे। वो क्या है, वो मैट्रिक्स में आएंगे, 3 की मैट्रिक्स में, 4 की मैट्रिक्स में, 5 की मैट्रिक्स में, आपको 30 लाख आएंगे, आपको 35 लाख आएंगे। एक कंपनी है, उसके काफी बड़े लीडर से मेरी बात हुई, जो लगभग 5-6 साल पुरानी कंपनी है और उसकी 50 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग है, वो 4 के मैट्रिक्स में आपको 30-32 लाख रुपए देती है। मैंने उसका छोटा सा एक कैलकुलेशन बनाया, आपको एक पेपर की मदद से बताना चाहता हूं। हम मान लें अगर उसमें 50 लाख ज्वाइनिंग है और 4 के मैट्रिक्स से आपको पहली इनकम आएगी, यानी कि आज अगर आपकी एंट्री होती तो 50 लाख के बाद है, आपको जो पहला पैसा मिलेगा वो 5 × 4, यानी कि 50 लाख को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 2 करोड़ लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद आपको पहला चेक 30 रुपए का आएगा। दूसरा, 2 करोड़ को अगर 4 से गुना कर दें तो यानी कि 8 करोड़ लोग होने के बाद आपको 1200 रुपए का चेक आएगा, और 8 करोड़ को अगर 4 से कर दें तो 32 करोड़ लोग होने के बाद आपको 4800 रुपए का चेक आएगा। 32 करोड़ को अगर 4 से गुना कर दें तो 1,28,00,000,000 लोग आने के बाद आपको 18,000 का चेक आएगा, और 1 अरब का मतलब होता है 1 बिलियन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पांचवें जो आपको चेक आना है वो 1,28,00,000,000 लोगों को अगर आप 4 से गुना कर दें तो 5,12,00,000,000 लोग होते हैं, और 5,12,00,000,000 को अगर 4 से गुना कर दें तो 20,48,00,000,000 लोग होते हैं। दोस्तों पूरे विश्व की मई के आंकड़े जो अपडेट है आप सर्च कर सकते हैं, उसके मुताबिक 7 बिलियन यानी के 7.9 अरब लोग पूरे विश्व में हैं। आप मोटा मोटा मान लें अगर 8 अरब भी हैं तो ये बाकी जो 20 अरब चाहिए वो कहां से आएंगे। आपको इसमें अभी मैं छठे ऑर्बिट तक ही, यहां की जनसंख्या खत्म है, 7वां 8वां ऑर्बिट और भी नहीं आएगा। और वो कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, यानी कि ऐसी कंपनियां जो ये कहती हैं पहले आओ पहले पाओ, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ झोल जरूर है, आपको उनसे बचना पड़ेगा। और दोस्तों अपने दिमाग से सोच के निर्णय कीजिए कि अगर आप अपने ही पैसे, यानी कि अपने रिश्तेदार या किसी मित्र के पैसे इन्वेस्ट कराकर उसका 50% अचीव करते हैं तो ये आपका अचीवमेंट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं, ये एक जुगाड़ है, ये एक तिकड़मबाजी है जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं। और एक और चीज है, ये जो मैंने आपको बताया इस सिस्टम में ये जो पैसे हैं ये आपके बनेंगे दिखेंगे लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। ये मिलेंगे जब जब मिनिमम आप 4 लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करा देंगे, और फिर वो क्या कहते हैं
कि अगर आपके पास 18-20 हजार रुपए आ रहे हैं तो आप अपने घर से ही चार ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो दोस्तों ये नेटवर्किंग नहीं है, ये कुछ तिकड़म और जुगाड़ का सिस्टम है। मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहूंगा, आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है और आपको कम पैसे से ज्यादा पैसा अर्जित करना है। जैसा आपने बचपन में एक विज्ञान का नियम पढ़ा होगा, कंबल लगाकर अधिक भार उठाना, यानी कि उसमें क्या होता था, हम एक सिस्टम के तहत थोड़े से बल को लगा के ज्यादा वजन उठा सकते थे, वो एक नियम है, विज्ञान का नियम। ठीक इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा नियम है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसमें हम बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, लोगों के नेटवर्क को बना सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं उनके साथ, और उनको अगर प्रोडक्ट या सेवाएं अच्छी लगेगी तो वो उनको बार बार लेंगे और आपको बार बार आमदनी आएगी। तो दोस्तों उन्हें आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि आपका कोई अपना रिश्तेदार, मित्र या दोस्त या परिवार का सदस्य इस तरह के किन्हीं लोगों के चंगुल में आके अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई ना गंवा दे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।